कविता के प्रति लोगों का आकर्षण है। आइए मैं उसको बुलाना चाहता हूं जिसके अस्तित्व के प्रति थोड़ा सा मैं संदेह में था कि क्या पता तब तक रहते हैं कि नहीं रहते हैं, अधिक ठंड में कहीं ऐसा ना हो कि उनको बुलाना सार्थक ना हो जाए। अभी उनके सम्मान में कवि सम्मेलन हो रहा, कहीं दूसरी तरफ कवि सम्मेलन न चला जाए, हैं चार पांच लोगों का प्रबंधन। आइए मैं आवाज देता हूं जिसको, जिनका नाम तो मधुब श्रीवास्तव है लेकिन उनको उनके डील डॉल के कारण नरकंकाल के नाम से ज्यादा जाना जाता है। आइए एक बार जोरदार तालियां, ऊर्जा भरी तालियां हास्य के परमाणु बम के लिए जिनका नाम होता है नरकंकाल। बहुत बाद में नंबर आया है, बैठे बैठे ताव ठंडा हो गया, तीन चार बार पैर ऊपर नीचे करके बैठ गए। अब व्याख्या जी के बगल में ऐसे बैठे जैसे कश्मीर के बगल में तमिलनाडु बैठा हो। भैया आपको प्रणाम करता हूं। तमिलनाडु का जवाब नहीं। और सांसद जी आपकी आलाप को प्रणाम करता हूं। सांसद जी इतनी लंबी आलाप लेते हमें आज पता चला, इन्होंने एक बार इतनी लंबी आलाप लिया, इनके एक समर्थक की शादी हो रही थी, जब उसके तीन बच्चे हो गए तब आलाप खत्म हुई। इनको जोर से प्रणाम करते हैं, इतना लंबा काहे फेंक रहे। सुंदरानी जी को क्या कहने भाई, हर कवि को पढ़ाने के पहले बहुत लंबी लंबी। हम कहा जब एक फेंक रहा तो तुम काहे इतनी फेंक रहे हो। एक ने कहा कि हमारे पिताजी नाले में कूदते थे तो नदी से निकलते थे, तो दूसरे ने कहा हमारे पिताजी नदी में कूदते थे तो हिंद महासागर से निकलते थे। सुंदरानी जी ने कहा हमारे पिताजी जो है टंकी में कूदते थे, टोटी से निकलते थे। तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। बहुत लपेटा गुरु तुमने, बहुत लपेटा। अच्छा किया, इसलिए बार बार आता हूं, दोबारा आया हूं। भैया प्रेम आपको प्रणाम करता हूं, इतने विनम्र, इतने ईमानदार, इतने कर्मठ, इतने निर्भीक पत्रकार हैं, ये खुद ही मानते हैं अपने को, मगर इनका काम देख के हम भी मानने लगे। अच्छा हम एक चीज समझ नहीं पा रहे भाई सुंदरानी जी, कि जब भाभी जी ने इनको वरमाला डाली होगी तो कहाँ डाली होगी, वो चीज है ही नहीं जहाँ डाला जाता है। नहीं प्रणाम करता हूँ, अजीब अजीब मूर्तियां, विश्वकर्मा जी बताओ, आपको भी प्रणाम करता हूँ। खड़े हो जाओ गुरु। इनके लिए एक शेर याद आ गया। अच्छा ये जहां पे ऐसे लोग हो, जहां ऐसे सांसद हो, वहां विकास होना चाहिए। अब विश्वकर्मा जी माला पहनाए कि ये छोटे हैं, इनकी बीबी बड़ी है और इनकी मोहब्बत छीछा लेदर में पड़ी है, इसीलिए विकास नहीं हो रहा। अच्छा सांसद जी इसलिए हार गए। नहीं बढ़िया मैनेज करिए, आराम से सुनिए, कोई हमको जल्दी नहीं है, जब बाद में आए तो बाद में बादशाह आता। ये सब सैनिक ये सब निपट गए, कोई मतलब नहीं है। नहीं अब इतनी देर से हमको बुलाए हो, बताओ। एक तो हम रायबरेली से चले, सारी रात जागे, सोने को नहीं मिला, लेकिन प्रेम जी के प्रेम को बहुत प्रणाम करता हूँ। आते ही इन्होंने उसको अमित शुक्ला को जूस पिलाया, हमको बढ़िया पनीर वनीर सब खिलाए। हमने कहा गुरु कभी रायबरेली हूँ, आओ आपका स्वागत करेंगे। कहें क्या करोगे, हम कहा नॉन वेज खाओ चाहे वेज खाओ, होटल में खाओ चाहे घर में खाओ। कहें नहीं, जो कंकाल तुम खाते हो वही खाएंगे। हम कहा हम तो जूता खाते हैं। आज है? तालियां बजाओ ऐसे हल्के में, क्या मतलब। बैठ जाओ। महंगाई की तरह बढ़ते हुए मूंछों वाले बाबा को भी प्रणाम करता हूँ। नहीं इतनी ज्यादा नहीं, किसी की दाढ़ी बढ़ रही, किसी की मूंछें बढ़ रही, तो ये सब देश चल रहा भाई। विख्यात जो भी आता है देश के लिए इतना पढ़ रहा, इतना चीख चिल्ला रहा। हमका देश की ज्यादा चिंता तो फौज में चले जाओ। अरे जब मोदी जी देश चला रहे हैं, योगी जी चला रहे हैं, हम खुद जिंदा हैं, तो क्या मतलब चिल्लाने का, क्या मतलब। अरे हमारा देश तो ऐसे महान, कविता लिखने की जरूरत नहीं। अभी 10 दिन पहले एक आदमी भीख मांग रहा था, हमने डांटा, हम कहा कैसे भारतीय हो जो भीख मांग रहे हो।
बोला हम भारतीय है ही नहीं। हम कहा कौन? बोला पाकिस्तानी। तो हम कहा यहाँ का है भीख मांग रहे? तो बोला कहाँ मांगे? हमने कहा अपने देश में मांगो। कहीं नहीं, वहां तो सभी मांग रहे हैं। किससे मांगे? हम कहा अपने इमरान से मांगो। कहीं गौर से देखो हम वही है। तो कविता लिखने का जरूरत है? कश्मीर नहीं देंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान को हम पहले ही कह चुके हैं तुम्हारी औकात नहीं, कश्मीर ले लोगे। इंडिया के लड़के हैं, जब गर्लफ्रेंड का नंबर नहीं देते तो तुमको कश्मीर कहां से दे देंगे? क्यों भाई? बहुत अच्छे। हमको ऐसे बाघा बॉर्डर भेज दो, आधा पाकिस्तान निपट जाएगा। खाली हमको देखे कि निपट जाएगा। चकिया बार बार इसलिए आते शायद कोई मादा कंकाल मिल जाए तो कोर्ट मैरिज कर लो। आप कंकालों की वृद्धि होती रहे देश में, हम ही एकमात्र बच्चे हैं और शेष क्या बात है। लेकिन अब ऐसा नहीं, हमारे ओस का एक बहुत बड़ा कवि और बैठा हुआ है, दुष्यंत दादा प्रणाम करता हूँ, दुष्यंत शुक्ला सिंह नादी। इतना बढ़िया भारी भरकम ओस का कवि, हमको देखो लगेगा भारत में भुखमरी है, इनको देखो लगेगा क्यों है। और ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे है। हाँ, कई लोग यहाँ पे बैठे हुए। हाँ, ऐसा नहीं है, बारात में डांसो करते। एक बार डांस कर चुके तो हमसे बोले नरकंकाल कैसा लगा डांस? हम कहा गुरु नागिन डांस बहुत देखा, अजगर डांस पहली बार देख रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, थोड़ा सा आनंद मेरे मूड में आ जाओ। क्या मतलब इसका? हाँ नहीं नहीं नहीं, ये सारी चीजें बहुत देर से हम बर्दाश्त कर रहे थे। क्या मतलब? अरे हम कह दिए कर देंगे, वो कर देंगे, कर नहीं करके आओ तब तो हम मानेंगे। ऐसा थोड़े, एक कविता मैं पढ़ता हूँ, अगर पसंद आई तो ठीक, नहीं 10-12 और पढ़ूंगा। क्या भाई? नहीं नहीं, हमारी कोई गारंटी नहीं। इनकी कविता बताओ, सोनी मिश्रा इतना श्रृंगार पढ़ रही, इतना श्रृंगार पढ़ रही, हमें लग रहा था जैसे सोनिया गांधी बीजेपी प्रचार कर रही है। क्या मतलब? ये सब बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत। यहाँ के चकिया के विरुद्ध श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। हाँ नहीं नहीं, प्रणाम विशेष रूप से करता हूँ, अब इतना ज्यादा नहीं करूंगा। नहीं सोचोगे कि ज्यादा प्रणाम कर रहा फांसी होनी है क्या? हमारे सुरक्षा कर्मी भी बैठे बड़ी देर से देख रहे हैं कि कोई ऐसा कभी आवे। हम कहा देखो देश की पुलिस है, इसको कुछ भी मत कहो, बहुत महान होते हैं लोग। एक लड़के से हमने कहा महाभारत क्यों हुआ? उसने कहा दुर्योधन के कारण हुआ। दुर्योधन बहुत जिद्दी था, कृष्ण के समझाने पर नहीं माना। कृष्ण ने कहा पांडवों को 5 गांव दे दो, कान न सूचाग्रे ददान केशव, सुई के लोग के बराबर। दूसरे ने कहा देखो ऐसा है, दुर्योधन कारण द्रौपदी के कारण हुआ। द्रौपदी ने कहा अंधों के अंधे होते, इसलिए महाभारत हुआ। हम कहा गलत, महाभारत होते न अगर पुलिस हो तो। तालियां बजाओ अगर समझ में आ रहा। कौरव पांडव बुला के मामला निपट जाता थाने में। ये सब मस्ती का विषय है। आप, मैं एक कविता पढ़ता हूँ भाई, ये सर्जिकल स्ट्राइक, ये बहुत कुछ हो गया। कोई कहता भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, एक ने कहा भारत माता तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमने बुलाया, 2000 का नोट दिया। हम कहा छुट्टे लाओ। तो उसने कहा इसके तो टूटे नहीं। हम कहा नालायक, जब एक कागज के टुकड़े नहीं कर सकते, तुम्हारी औकात है कि भारत माता के टुकड़े करोगे? और हमने मोदी जी से कह दिया कि अब की बार अगर सर्जिकल स्ट्राइक हो तो जब सबूत मांगे इनको बांधो तोप के आगे, तो भले सबूत ना है लेकिन बबूत जरूर चली आएगी। ये भारत देश है। नहीं नहीं, ये हाँ। क्यों भाई? चाइना को लोग बहुत लपेट रहे हैं। अभी वो विख्यात कह रहा कि चाइना में छोटी छोटी आंखें, बात सही, चकिया के लोग गए होंगे। एक हमारा मित्र भी चाइना चला गया, वही इंजीनियर हो गया, वही शादी कर ली। 5 साल बाद जब लौटा तो हमने कहा भाभी जी कहाँ? उसने कहा यार चाइना का आइटम ज्यादा चलता कहाँ। तो हम समझ गए कि चाइना की कोई औकात नहीं। भले कोरोना भेजे, भले हम कहा तुम कीड़े मकोड़े खाते, हम लोग चाइनीजी खा जाते। और चाइना तेरे पास है क्या? एक सिर्फ चाइना वाल। हम कहा हमारे देश में अग्रवाल, जायसवाल, मोदन वाल और सबका बाप केजरीवाल। तो जहां इतने वाल हो वहां क्या कर सकते हो?
ना आई हो तो बताओ, फिर हम झोंके अपनी ताकत। नहीं, हमारे फेफड़े मजबूत, शरीरे कमजोर है। चार छह पंक्तियां पढ़ता हूँ, थोड़ा देशभक्ति का ताव हमारे भी अंदर चढ़ गया। दुष्यंत दादा को विशेष प्रणाम इसलिए करता हूँ, बहुत बड़े ओज के कवि हैं और भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि अगला जन्म हमारा हो तो इन्हीं की कोख से पैदा हो, ताकि ऑलरेडी देशभक्ति हमारे अंदर रहे। नहीं नहीं, ऐसा थोड़े कि हम देशभक्ति तो जगह जगह फैली हुई। एक बार तीन देशों के नेता नरक गए, वहीं जाते हैं उनमें हंसने वाली का बात, तो वहां गए तो एक दरवाजे को खटखटाया तो दरवाजा चरमराया, दूत आया। दूत ने कहा दरवाजे की रिपेयरिंग करानी, खर्चा बताओ। तो पहले पाकिस्तान वाले से पूछा, उसने कहा खर्चा आएगा 9,000, 3,000 लेबर, 3,000 मटेरियल, 3,000 हमारे। चाइना वाले से कहा तो उसने कहा 12,000, 4,000 लेबर, 4,000 मटेरियल, 4,000 हमारे। जब भारत वाले नेता से कहा बताओ आप, तो भारत वाले ने कहा सुनो महाराज, खर्चा आएगा 29,000। तो दूत ने कहा कैसे कहें, 10,000 तो तेरे, 10,000 मेरे, बचे 9,000 पाकिस्तान को ठेका दे दो। तो ये भारत का माइंड है, यहाँ की चाहे वो नारी शक्ति हो, और तीन यहाँ मात्र शक्तियां बैठी हुई, उनको नमन करता हूँ। मात्र शक्तियों को इसलिए नमन करता हूँ, जब बैंक जाते विड्रॉल भरते लिखते हो 2,000 रुपये मात्र, किसी की औकात नहीं लिखो 2,000 रुपये पित्र, तुम्हारा विड्रॉल नहीं पास होगा। और भगवान शिव की जो काशी क्षेत्र है, अरे गुरु जोड़ काहे नहीं है, हमारा जोड़ रायबरेली में है, अब यहाँ थोड़े लाए, अब यहाँ लाते तो फिर माला पहले आते, ऐसा कैसे खेलो जोड़। मालाएं ज्यादा न पहनाओ गुरु, मालाओं का वजन हमसे ज्यादा हो जाएगा, हाँ तो पता लगे हम धराशाई हो जाएंगे। तो बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आपके प्रेम को, प्रणाम करता हूँ, ज्यादा देर नहीं पड़ूंगा, 60 मिनट निपटाता हूँ। हमारे यहाँ सब शॉर्ट टाइम चलता है। पत्नी बोली चकिया जा रहे हो जान, हम कहा जान के बोली, बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा। हम कहा रानी ये सब ना कहा करो, तो बोली रानी को कहते, हम कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा। नहीं, हाथ से कहीं से निकल आता है। पत्नी के साथ जा रहे थे, रास्ते में गधा मिला, तो पत्नी ने कहा देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े। हम कहा ससुर जी प्रणाम, लेकिन आप ना कहना ये। चलिए चार छह पंक्तियां उस क्रांतिकारी, उस शहीद को भी नमन करना चाहता हूँ, स्वागत भाई, हाँ, जिसने अपने प्राणों को निछावर कर दिया देश के नाम पर। ये देश के गद्दार कुछ भी बोले, लेकिन हमारे देश की गौरवशाली परंपरा आज भी चल रही है। एक दिन मेरा लड़का आया, आते जोर से चिल्लाया, पापा मैं भी दिल्ली जाऊंगा, JNU में एडमिशन करवाऊंगा, मुझे भी करने सपने साकार, मैं भी बनना चाहता हूँ कन्हैया कुमार। मैंने कहा खबरदार, JNU जाएगा तो जयचंद बनकर आएगा, इसलिए अल्फ्रेड पार्क जा, वहां की मिट्टी को माथे पे लगा, राष्ट्र विरोधी ताकतों को रोक दे, जिस घर से अब जल निकले आजाद बनकर ठोक दे। आए, आए, भाई कमाल है, कमाल कमाल। ऐसा नहीं है, हम वीर रस की कविता भी पढ़ सकते हैं, कमाल, लेकिन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हास्य के लिए हम हैं, और ये बहुत लपेट रहे हैं भाई हमारे सुंदरानी जी, हर कवि को लपेट रहे। गुरु चार पंक्तियां आपको बर्दाश्त कर लो, झोंक रहे, हाँ, अगर यह बता रहे कि ये पता नहीं कहाँ से आए हैं और कब्र से आए हैं, कैसे क्या, गुरु हम समझ लो हम कोरोना के DNA हैं बस। अरे बस ऐसा न पहनो, देखो ऐसा है, 20 साल पहले इसी तरह की एक माला पहनी थी, दुर्गति को प्राप्त हो गया, अब क्या चकिया में सीधे वीरगति को प्राप्त करो। चार पंक्तियां मैं कोरोना को संदर्भित करते हुए आज के मंच संचालक आदरणीय अशोक सुंदरानी जी को भेंट करता हूँ। कोरोना से आप डरो, ओमिक्रॉन से आप डरो, हम काहे डरे, हम तो कंकाल हैं। कि काश मेरा भी रूप सलोना हो जाए, काश मेरा भी रूप सलोना हो जाए, किसी की नजरों का जादू टोना हो जाए, और मैं इनकी बीवी को गले लगा लो, भले हमको कोरोना हो जाए। बहुत बढ़िया, कोरोना हो जाए, डरने की का जरूरत, कोरोना और रोना से मत डरो, कोरोना कुछ नहीं कर सकता। अब कोरोना नहीं नहीं ऐसा ना कहे क्या, चार पंक्तियां देखो, कोरोना में यहाँ कुछ लोग देखो मास्क लगाए, इतना भयभीत है, मास्क इसलिए लगाते हैं कि नजरें मिलाने के लायक नहीं हो,
ये सर भी उठाने के लायक नहीं हो, और किया है प्रकट से जो खिलवाड़ तुमने, अब मुंह भी दिखाने के लायक नहीं। बहुत बढ़िया, हमने इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया, हमने जो पॉल्यूशन बढ़ाया है, चाहे नदियों की स्वच्छता की बात की हो, यहाँ तो स्वच्छता, हम जब आ रहे थे तो एक आदमी लोटा लेके शौच को जा रहा था, हमने डांटा, हम कहा मोदी जी ने इतने शौचालय बनवाए हैं, इतना स्वच्छता अभियान चलाया, तुम लोटा लेके बाहर जा रहे हो, वो बोला तुम अपना काम करो विपक्ष में। तो हम कहा ऐसा विपक्ष कौन मारे जो पोक पोक मारो तुम। नहीं, ये विपक्ष की बात नहीं करनी चाहिए। 370 पे पढ़ा गया। हाँ, अभी हम आए तो ये विश्वकर्मा जी ने हमसे छुट्टा मांगे 500 के, हमने दिए, इन्होंने गिना कहा नरकंकाल ये तो 130 है, 370 कहा, हम कहा वो खत्म, हम ना मांगे। चलिए, हंसाने को बहुत तो सभी पैरोडी किंग हमारे बीच में बैठे हुए हैं, प्रमोद पंकज जी, उनको सुनिएगा सिर्फ एक कविता, बहुत चुटकुलों से जोक्स से हंसाया जा सकता, लेकिन एक संवेदना की कविता पढ़ के मैं अपना स्थान लेना। स्वागत स्वागत नरकंकाल भाई, स्वागत, पढ़िए। हमारे देश में कई लोग कहते हैं कि बहुत विश्वगुरु बन हमारा देश था, है, आज भी रहेगा, लेकिन ये कुछ ऐसी घटनाएं होती जो देश के गौरव को कहीं ना कहीं ह्रास करती हैं। स्वागत, सुन लो भैया, अगर आदेश करे तालियां बजा के तो पढ़ू नहीं बैठ जाऊं, वैसे बैठ जाऊं। पढ़िए। हाँ, जैसे हमारे सांसद जी हैं बैठे हुए हैं काफी देर से, अब ये क्यों हारे ये हमारी समझ में नहीं आया। नहीं हारे नहीं है, हारे हाँ? नहीं हारे नहीं, पूर्व का मतलब है पहले थे बस। पूर्व देखिए, एक चीज बता दूं, पद के प्रति इतनी प्रतिष्ठा होती, कभी आपने नहीं पढ़ा होगा भूतपूर्व हनुमान जी। नहीं बहुत अच्छा, अच्छा ऐसे कुछ हमारे रायबरेली में एक नेता है, हमारे रायबरेली नेता तो जिस गांव जिस क्षेत्र में जाते हैं वादा करते हैं। एक गांव वालों ने कहा नेता जी हमारे यहाँ बिजली नहीं आती, नेता जी ने कहा कोशिश करूंगा। दूसरे गांव गए तो गांव वालों ने कहा हमारे यहाँ की सड़कें ठीक नहीं, नेता जी ने कहा कोशिश करूंगा। तभी हाँपता हाँपता एक तीसरे गाँव का आदमी आया, उसने कहा नेता जी 20 साल हो गए शादी के, अभी संतान नहीं, 15 दिन का टाइम है, अगर समझ में जाओ। चलिए मैं एक कविता पढ़ता हूँ, बहुत जल्दी पढ़ता हूँ। स्वागत, एक कविता आपके बीच में पढ़ के, क्योंकि यहाँ पे साहित्य के बहुत प्रबुद्ध वर्ग बैठे हुए, मैं पढ़ता हूँ। स्वागत, स्वागत, एक बानगी देता हूँ। हाँ मधुर जी। धृतराष्ट्र ने पूछा संजय आज के क्या समाचार है, संजय बोला महाराज कुछ मत पूछिए हम बेबस है लाचार है। धृतराष्ट्र ने कहा संजय डरो नहीं, साफ साफ कहो जो देख रहे हो कहो, भावनाओं में मत बहो। संजय बोला महाराज हस्तिनापुर यानी पूरा देश रो रहा है, आपके दरबार में द्रौपदी चीर हरण हुआ था पर आए दिन गैंगरेप हो रहा है। क्या बात है, मानवता मानवता मरणासन्न है, धर्म की थम रहे सांसे, महाराज मैं आज भी देख रहा हूँ पेड़ पर लटकती हुई लाशें। ये सुनकर गांधारी रोने लगी, आंखों में बंधी पट्टी आंसुओं से भिगोने लगी, बोली काश यदि मैं पहले जान जाती, कदापि अपनी छाती का दूध कौरवों को नहीं पिलाती। धृतराष्ट्र ने कहा संजय पहलिया मत बुझाओ, संजय पहलिया मत बुझाओ, ये गैंगरेप क्या इसे संस्कृत में समझाओ। संजय बोला महाराज ये शब्द संस्कृत में आ नहीं सकता, और जिस देश की संस्कृति में आ गया उसे कोई बचा नहीं सकता। वाह 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 वाह, इसलिए जाओ वा, वा। हमारी सरकारें हमारे कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, लेकिन उसके पहले अपने बेटों को बचाओ, बेटों को कुसंस्कारों से बचाओ, बेटों को कुसंगत से बचाओ। जब हमारे बेटे बच जाएंगे तो बेटियां अपने आप बच जाएंगी। क्या बात, इसलिए मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ। संजय ने कहा महाराज, और या तो ऐसे वीरत्व की भावना आ जाए बेटियों में। संजय बोला महाराज जब तक पांचाली दुशासन के रक्त से अपने केस नहीं धोएगी, इस राष्ट्र की संस्कृति इसी तरह रोएगी, और जब तक भीम की गदा दुर्योधन की जांग नहीं तोड़ेगी, ये समस्या ये बीमारी देश का पिंड नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। वाह वाह।